अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रामेरियन सादिया टी। तो आज जो मेरा टॉपिक है जिस पर मैं बात करूँगी, जिस पे मैं आपको समझाऊँगी जो टॉपिक, वो है जरंड। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जरंड बेसिकली है क्या, कि वो वर्ब है, नाउन है, ये क्या चीज़ है। तो इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन जो है वो तो इस तरह से है कि जरंड इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब। जरंड इज एक्चुअली वर्ब बट वर्क एज अ नाउन। तो जरंड जो है वो बेसिकली जो है वो है तो वर्ब ही, मतलब उसकी बेस जो है वो वर्ब ही है, लेकिन समटाइम्स हम उनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो नाउन का काम कर रहे होते हैं। किस तरह से वो नाउन का काम कर रहा होता है कि जिस तरह हमने किसी भी चीज़, जगह या प्लेस या एनिमल को हम नाम देते हैं, तो इस तरह से कोई एक्शन होता है उसको हम नाम दे देते हैं और उसको एज अ ऑब्जेक्ट हम सेंटेंसेस में यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया स्मोकिंग, स्विमिंग, लर्निंग, डांसिंग, पेंटिंग, इस तरह से बहुत से ऐसे वर्ब हैं जो हम उसको एज अ वर्ब, एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं। तो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट जो हमारा फॉर्म है जिसमें हम जरंड यूज़ करते हैं वो इज़ अ सब्जेक्ट है, कि हम किस तरह से इज़ अ सब्जेक्ट जरंड जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से हम वर्ब जो है वो इज़ अ नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं ना स्मोकिंग विल किल यू, तो स्मोकिंग यहाँ पे हमारे पास वर्ब तो है नहीं, तो स्मोकिंग जो है वो रिफर कर रहा है नाउन को। स्मोकिंग अब इज समथिंग लाइक ऑब्जेक्ट हम कर लें, ऑब्जेक्ट वो नहीं जो हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी जो एग्जिस्ट हो। और दूसरा जो हमारे पास हम इज अ ऑब्जेक्ट उसको किस तरह सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है आई लाइक हर डांसिंग मूव्स। तो डांसिंग मूव जो है यहाँ पे हमारे पास तो वर्ब है ही नहीं, लाइक जो है वो हमारे पास वर्ब का काम कर रहा है और डांसिंग मूव जो है वो हमारे पास क्या है, डांसिंग जो है वो हमारे पास जरंड है। और हम तीसरा जो जहाँ पे हम जरंड यूज़ करते हैं वो यूज़ एज अ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से, जैसे मेरे पास सेंटेंस है माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग। तो रीडिंग जो है ये अब ऑब्जेक्ट है, इसको हम वर्ब नहीं कहेंगे, जैसे हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म नहीं कहेंगे, बल्कि इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है और रीडिंग जो है ये हमारे पास क्या है, जरंड है। और जब हमारे पास फोर्थ फॉर्म जो है जहाँ पे हम जरंड यूज़ करते हैं वो है आफ्टर प्रपोजिशन, कि हम किस तरह से आफ्टर प्रपोजिशन जरंड यूज़ करते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, शी इज़ गुड एट स्विमिंग। तो स्विमिंग जो है यहाँ पे हमारे पास जरंड है। तो स्विमिंग ऐसा कोई एक्शन नहीं है कि समवन इज़ डूइंग स्विमिंग इन द पूल, लेकिन ये स्विमिंग जो है यहाँ पे हमारी किसी चीज़ की एक्टिविटी है जिसको हमने नाम दिया गया है। तो आफ्टर प्रपोजिशन हमने स्विमिंग यूज़ किया है जो कि है जरंड। हमारे पास फिफ्थ वन जो है वो है कंपाउंड नाउन्स। हम जरंड जो है वो इज़ अ कंपाउंड नाउन जो है वो यूज़ करते हैं सेंटेंस में। किस तरह हम इन कंपाउंड नाउन्स में हम यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता होगा कंपाउंड नाउन्स किसे कहते हैं। तो मेरे पास एग्जांपल है दे आर इन्जॉइंग इन स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल जो है ये एक प्लेस है, स्विमिंग एक्शन नहीं है, एक प्लेस है जहाँ पे लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल जो है वो हम नहीं कह सकते कि ये वर्ब है, ये जो है हमारे पास जरंड है। और एक न्यू एक अदर एग्जांपल भी है मेरे पास, आई बॉट न्यू रनिंग शूज़। तो न्यू रनिंग शूज़ जो है, रनिंग शूज़ हमारे पास क्या है, जरंड है। और बॉट जो है वो ऑब्वियस बात है हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो रनिंग शूज़ अब हमारे पास ये नहीं है कि वो जो शूज़ है वो खुद ही भाग रहे हैं, तो रनिंग शूज़ का मतलब है कि ये हमारे पास जरंड है, इज़ अ नाउन, हमने किसी एक चीज़ को स्पेसिफिक नाम दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं लास्ट में भी कुछ एग्जांपल पुट कर देती हूँ जिससे आपको वाजे हो जाए कि जरंड हम कहाँ पे और किस तरह से यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।